नहीं सर, मैं नहीं मानता। कोई जानबूझकर अशिक्षित नहीं बनता। हर कोई चाहता है कि वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का और समाज का नाम ऊंचा करे, और हर माँ बाप भी चाहते हैं कि उसका बच्चा शिक्षित हो, समाज को शिक्षित करे, डॉक्टर इंजीनियर बनकर गांव का समाज का सेवा करे। लेकिन इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है सर, गरीबी जो पढ़ने लिखने की उम्र में उसके हाथ में कॉपी कलम की जगह घर की जिम्मेदारियां थमा देती है, खेलने कूदने की उम्र में उसके सर से बाप का साया तक छीन लेता है मिलो दूर का अस्पताल। और कुछ तो ऐसे भी गांव हैं जिनकी सड़क कभी स्कूल तक पहुंचे ही नहीं। सही बोले आप, गांव के लोग अशिक्षित होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं समाज में जिसको शिक्षा का मतलब तक नहीं पता। कहां से होगा सर, कहां से। कभी कभी हमारे राजनेता आते हैं, ऊंची जाति निम्न जाति करके अपना रोटियां सेकते हैं और झूठे बड़े बड़े वादे भी करते हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता। कुछ तो हमारे ऐसे भी सरकारें हैं जहां पे पूर्ण रूप से शराबबंदी होने के बावजूद भी वहां का ठेकेदार वो खुद बना बैठा है। कहां से होगा बदलाव, कहां से गांव शिक्षित बनेगा सर, कहां से। जो पिछले 15-20 सालों से कुर्सी पे कुंडली मार कर दिमाग की तरह अंदर ही अंदर हमारे समाज को गांव को खोखला कर रहा है सर, कहां से आएगा बदलाव। और वो लोग चाहेगा भी नहीं, क्योंकि अगर गांव शिक्षित बन जाएगा तो वहां का लोग समझदार बन जाएगा और उसको सही गलत में फर्क आने लगेगा, वो आपस में लड़ना बंद करेगा। यही तो नहीं चाहता हमारे राजनेता। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो कहां पे जाके अपना राजनीतियां करेगा, कहां पे। इसको बदलना होगा सर, हम बदलेंगे। वी कैन डू एवरीथिंग बिकॉज वी आर द वोटर, वी कैन डू एवरीथिंग। और ये बदलाव लाने के लिए सबसे पहले 15-20 सालों से जो कुर्सी पर बैठा उसको बदलना होगा, तभी बदलाव आएगा। लाना होगा बदलाव, बदलाव आएगा।